हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं शाम का ब्लॉग डालने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने के लिए भी जा रही हूँ। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं मशरूम कड़ी बनाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। ये हम मार्केट से ख़रीद कर लाए थे और ये करीब 300 ग्राम है। तो सबसे पहले तो मैं उसका ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसको निकाल दे रही हूँ। एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह लगा होगा तो निकल जाएगा। और इधर मैंने ले लिया ये गुनगुना पानी और उसमें डाल दूंगा ये हल्दी और नमक को मिक्स कर दूंगा। और उसमें डाल दिया ये मशरूम और थोड़ी देर उसको छोड़ दूंगा। अगर उसमें एक्स्ट्रा मिट्टी लगा होगा तो आसानी से निकल जाएगा। और इधर मैं मसाला पेस्ट बनाऊंगी। इधर डाल दिया है जीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी थोड़ी सी और उसका पेस्ट बना लूँगी। मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है और इसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल से बनाने से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उसमें डाल दिया ये लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता और थोड़ी सी कटी हुई प्याज और टमाटर को ही साथ में छोड़ दूँगी। इसमें सब्ज़ी में अच्छा ग्रेवी आएगा। और उसमें ये मसाला पेस्ट डाल दे रही हूँ और उसके बाद अच्छे से 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊंगी मसाला को। मसाला भुन चुका है, अब उसमें मशरूम डाल दूंगी। थोड़ी सी नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मशरूम जल्दी पकेगा, उसमें पानी छूटेगा तो अच्छा टेस्टी बनेगा। तो हमारा मशरूम जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब उसको हम ढककर पकाएंगे ताकि मसाला सब मशरूम के अंदर चला जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमारा मशरूम जो है अच्छे से पक चुका है, अब एक गिलास पानी उसमें ऐड कर दिया और अभी ये मेरा मशरूम कड़ी हो गया है तैयार। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी बनी है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा।